स्टार्ट होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शून होता है वो अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ गुजार रहा था वो स्कूल जाता जाता था 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 और घर वापस आ वो यही उसकी उसकी लाइफ लाइफ थी इसके अलावा में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो कर सकता और अपनी वो इस बोरिंग लाइफ से काफी फेडअप हो चुका था और अक्सर वो स्कूल से छुट्टी करके घर में वीडियो गेम्स खेला करता था जिसे वो काफी इंजॉय करता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इससे भी तंग आ रहा था और एक दिन वो इस सिचुएशन से तंग आ कर गॉड से प्रे कर देता है वो कहता है गॉड ये लाइफ कितनी बोर है और काश के इंसान की लाइफ ऐसी हो कि उसमें गेम जैसा ही मजा आए और वो उसे गेम की तरह ही इंजॉय करे और नेक्स्ट डे सुन जब क्लास में होता है तब अचानक से उसके टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से दारुमा डॉल निकलता है जो की एक काफी खतरनाक किस्म का डॉल है और वो डॉल क्लास के हर एक स्टूडेंट को बड़ी बेदर्दी से मारता जा रहा था जो की अपनी पोजिशन से मूव कर रहे थे ये देख कर सोचता है की गॉड ने उसकी विश को पूरा कर दिया है लेकिन वो ये तब ही नहीं चाहता था जिसकी वजह से वो खुश नहीं होता और अपसेट होता क्योंकि उसकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी दर्दी से मारे गए थे वो दारुमा डॉल सॉन्ग गाकर एक राउंड लेता था और राउंड खत्म होने के बाद जो स्टूडेंट भी अपनी जगह से मूव करता था उसकी ब्लड वेन्स फट जाती थी और एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती थी और जाहिर है ये सब कुछ वो दारुमा डॉल ही कर रहा था और पूरी क्लास में खून के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ये देख कर क्लास के सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं और चिल्लाने लगते है और दारुमा डॉल उन्हें एक एक करके मारने लगता है तभी सुनका फ्रेंड कहता है की ये एक डेथ गेम है जिन्हें उन्होंने विन करना है और उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और ये कहते हुए वो दारुमा डॉल के पीछे लगे गए बटन को दिखाता है कि शायद उसे प्रेस करके वो बच सकते हैं ये सुनकर एक स्टूडेंट उस बटन को प्रेस करने के लिए आगे बढ़ता है और दारूमाडोल उसे गुस्से से देखता है जिससे उसकी ब्लड वेन्स फट जाती हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और तभी सुन बताता है कि उस बटन के साथ एक टाइमर भी है और उनके पास सिर्फ एक मिनट ही रह गया है और अगर उन्होंने इस टाइम में कुछ नहीं किया तो वो सारे के सारे ही मारे जाएंगे ये सुनकर वो स्टूडेंट फिर से पैनिक कर जाते हैं और घबराहट के आलम में अपनी पोजिशन से मूव कर लेते हैं और मौके का फायदा उठाकर कर दारूमाडोल फिर से उनको एक एक करके मारने लगता है और काफी ब्रूटल तरीके से वो उन्हें मौत देता है और अब बस सिर्फ दो लोग ही बचे थे शुन और उसका वही फ्रेंड क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं किया था शुन का फ्रेंड उसे कहता है कि हमारे पास सिर्फ थर्टी सेकेंड रह गए हैं तुम ऐसा करो की मेरे ऊपर पाव रख कर तुम जंप करके वो बटन प्रेस कर दो जिससे वो दोनों बच सकते हैं लेकिन शुन की हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी टाइम को देखते हुए वो उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो दारूमा डॉल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है डॉल को गिरा कर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने अपने गेम को विन कर लिया है लेकिन वो डॉल शुन के फ्रेंड को मार डालता है और वो शुन को बताता है कि तुमने इस बटन को प्रेस किया है और मैं तुम्हारे अलावा सबको मार डालूंगी लेकिन शुन इससे खुश नहीं होती क्यूँकी उसके क्लास फेलो बिना मौत ही मारे गए और तभी शुन को उसकी फ्रेंड इचिका वहाँ पर मिल जाती है जिससे उसे पता चलता है की पूरे स्कूल में ये गेम चल रही थी और इचिका भी शुन की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने भी उस डॉल का बटन प्रेस कर दिया था शुन उसे कहता है कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है लेकिन मुसीबत की बात ये होती है कि वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे तब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तब सब डोर्स भी लॉक थे फिर वो किसी तरह स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुँच जाते हैं वहाँ पर और भी स्टूडेंट्स थे और अक्सर स्टूडेंट्स ने माउस का कॉस्ट्यूम पहन रखा था तभी वो लोग नोटिस करते हैं की फ्लोर के ऊपर लिखा हुआ है फिर द कैट्स बेल और तभी जमीन थ्रिल करने लगती है और एक बहुत बड़ी कैट उनके सामने आ जाती है वो एक रोबोट कैट थी जो सबको आहिस्ता आहिस्ता करके खाने लगती है और सब स्टूडेंट्स खुद को सेव करने के लिए इधर उधर भागते हैं और इसी दौरान शुन को वहाँ पर एक बेल मिल जाती है और वो देखता है कि कैट के ऊपर बास्केट रिंग भी लगा हुआ है और शायद वो इस बेल को रिंग करके बच सकते हैं और तभी उनमें से सबसे अच्छा बास्केट बॉल प्लेयर उस बेल को बास्केट करने लगता है वो लोग इस गेम को विन करने ही वाले होते हैं कि तभी वो कैट उस बेल को बास्केट होने से रोक देती है और अपने हाथों से उस बेल को उस लड़के समेत उठाकर फेंक देती है से उसकी डेथ हो जाती है ये देखकर सब बच्चे काफी घबरा जाते हैं कि अब वो इस गेम को नहीं जीतेंगे ईचेका गिर जाती है और वो कैट उसे खाने लगती है और तभी बिल्कुल ठीक वक्त पर आकर सुन उस कैट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है क्यूँकी शुन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो कैट माउस कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पकड़ रही थी तभी शुन को ये पता चलता है की माउस कॉस्ट्यूम वाले बच्चों से वो कैट बातें भी कर रही है कैट ने बताती है की उसकी बैक पर इचिंग हो रही है और वो उसकी बैक पर स्क्रैच करती है जिससे उसे अच्छा लगेगा और और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहेगी और फिर उस कैट को नींद आ जाती है और वो सो जाती है सुन कहता है कि अब मौका बिल्कुल ठीक है और मैं उस बैल को बास्केट कर इस गेम को विन कर लेता हूँ लेकिन को इस बात का डर था कि कहीं दारुमा डॉल की तरह सिर्फ बास्केट करने वाला ही जिंदा बचेगा और बाकी सारे मारे जाएंगे जिसकी वजह से उनमें आपस में फाइट हो जाती है और इसी दौरान उस कैट की आँख खुल जाती है और वो फिर से उन सब पर अटैक कर देती है लेकिन सुन और इचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए उसकी तरफ दो बॉल्स फेंकते हैं उनमें से एक बैल होती है और दूसरी ऐसी सिंपल बास्केटबॉल ताकि वो कैट उस बैल को रोक ना पाए और वो जीत जाए और वो इस गेम को विन करने के बहुत करीब होते हैं लेकिन शून का निशाना गलत हो जाता है। और बैल बास्केट नहीं हो पाती लेकिन अब उनके पास सिर्फ दो सेकेंड ही रह गए थे और तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ पर आता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उस बैल को बास्केट कर देता है जिससे वो लोग उस राउंड को विन कर लेते हैं और उस लड़के का नाम अमाया होता है ये देख कर इचिका खुश होने लगती है लेकिन शून से कहता है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि इस गेम का सरवाइव कौन है तब वो कैट कहती है कि तुम तीनों यानी सुन इचिका और वही लड़का अमाया ये गेम के सर्वाइवर हैं और बाकी सारे मारे जाते हैं अमाया शुन को बताता है कि ये एक ऐसी गेम्स हैं जिनके पीछे गॉड है और इसमें सिर्फ वही लोग विन करते हैं जो ताकतवर हो और वो ताकत हम दोनों में एग्जिस्ट करती है तब इचिका उसे कहती है की सुन तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है और दिल का तुमसे ज्यादा अच्छा ये सुनकर अमाया को गुस्सा आता है और तभी कैट अपने मुँह ऐसी धुआं निकालती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं फिर हमें पूरी कंट्री का हाल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बुरा होता है लोग काफी परेशान होते हैं इस सिचुएशन की वजह से जो चल रही थी फिर हमें दिखाया जाता है कि सब विनर्स को एक फ्लाइंग क्यूब में कहीं पर ले जाया जा रहा है अक्सर लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो की होमलेस होता है और वो एक खराब रेडियो को टच करता है जिससे वो रेडियो फौरन सही हो जाता है और यहाँ पर उसे देख ऐसा लग रहा था की जैसे वो भी कहीं ना कहीं इस गेम से कनेक्टेड है सुन जब क्यूब में आंखें खोलता है तब उसके के सामने एक लड़की होती है जिसका नाम ताकुमी होता है और वो उसकी बचपन की दोस्त थी वहाँ पर उन दोनों के अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवर भी थे और वहीं पर एक लड़का काफी ज्यादा ब्रिलियंट होता है तभी उनके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कीज को ढूंढो तभी तुम लोग यहाँ से बाहर जा पाओगे और तभी वहाँ पर चार कुकीशी डॉल्स आ जाती है वो उन्हें बताती है की यहाँ से वही बाहर जा सकेंगी जो इस गेम को विन करेंगे और वो उन्हें गेम्स के रूल बताती है की तुम्हें आंखों पर पट्टी बांध एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगी और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर तुमने नेम रॉन्ग बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी सबसे पहले वो उस ब्रिलियंट लड़के को चूज करती है लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले देता है और वो उसे मार डालती है उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और टाइम के अंदर वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और वो उसे भी मार डालती है और अब वहाँ पर सिर्फ शुन और टाकू में ही रह गए थे और डॉल्स अब शुन को चूज करती है और वो शुन को बीच में बिठा कर उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है और सॉन्ग खत्म होने पर उसे डॉल का नाम नाम पूछा जाता है शून्य कुछ भी नहीं बोलता और आवाज आती है टाइम अब तो पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया और जब सुन उस डॉल की आवाज सुनता है तब वो फौरन उसका नाम ले देता है जिस पर वो चारों हंसने लगती है की अब उसके बताने का कोई फायदा नहीं है क्यूँकी टाइम अप हो चुका तभी सुन उन्हें बताता है की टाइम अप होने की आवाज उसके सेल फोन ऐसी से आ रही थी यानी पहले जो दो लोगों के साथ गेम खेली गई तब उसने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और यहाँ पर वो उन्हें बेवकूफ बना रहा और वो कहता है की उसके पास अभी भी टाइम है और सही डॉल का नाम बताकर वो उन्हें हरा देता है और गेम को विन करते ही वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और की लेकर सुन और टाकुमी बाहर आ जाते हैं बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक अजीब काफी भयानक काफी बड़ी डॉल आ रही थी और वो लड़का उन्हें बताता है की सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और इतनी ही देर में वहाँ पर इचिका भी आ जाती है वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें दो और लड़के मिलते हैं वो लड़के सुन को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें टोटल सेवन कीज चाहिए लेकिन उनके पास तो सिर्फ चार कीज हैं और इतनी ही देर में तीन और कीज लेकर अमाया भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस डॉल से बचते हुए वो एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ कर वहाँ तक आया था और अंदर आते ही वो उसे जान से मार डालता है वो सारी कीज को पुट करते हैं तब एक आवाज आती है की वो अपने ड्रेसेस चेंज कर और कपड़े चेंज करते ही वो एक दूसरे गेम के लिए निकल पड़ते हैं दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है की उस क्यूब में जो भी हो रहा था पूरे सिटी में वो लाइव चल रहा था यानी पूरा शहर उस क्यूब के अंदर होने वाले गेम्स को लाइव देख पा रहा था फिर वो सात लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा आइस होती है और तब उनके सामने काफी बड़ा बेयर आ जाता है वो उनसे कहता है की इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने होंगे और जो भी क्वेश्चन की आंसर गलत देगा वो मारा जाएगा उनसे पहला सवाल पूछा जाता है की उनकी फेवरेट फूड कौन सी है जिस पर सब अपनी फेवरेट फूड बताते हैं और वो बेयर कहता है की नहीं तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है और काफी सोचने पर उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो डॉल आई थी लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता बल्कि वो कहता है कि उसने सच बोला लेकिन वो बियर उसे जान से मार डालता फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि तुम में से कौन कौन शुन को लाइक करता है तब उनमें से इचिका अमाया और टाको में यस बोल देती है क्यूँकी वो शुन को जानती थी लेकिन वो दो लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो नो बोलते है क्यूँकी वो शुन को जानते ही नहीं थे और वो बियर फिर से वही बात करता है की तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है तब शुन उस बियर को कहता है की ये दोनों क्वेश्चन इतने है। तो फिर कोई कैसे इनका गलत आंसर दे सकता है तब वो बेर उसे कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो हमारा पार्टनर है और वो तुम सबको हराने के लिए झूठ बोल रहा है और तुम इसे ढूंढ लो इससे पहले कि तुम सब मारे जाओ और तब उनका शख ताकुमी पर आता है क्योंकि वो सुन के स्कूल की नहीं है तब सुन उन्हें बताता है कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है लेकिन वो लोग उसकी बात बिलीव नहीं करते और टाइम भी खत्म हो रहा था तो वो ताकुमी का नाम ले देते लेकिन ताकुमी अपनी सफाई में बार बार सुन को कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो बियर एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है तब वो सब देखते हैं कि डेड बॉडी से असली खून आ रहा है और अगर वो उस बियर की साथी होती तो वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती ये देखकर शुन को फौरन समझ आ जाती है की झूठ कौन बोल रहा है वो कहता है की यहाँ पर एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है वो बियर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है की वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम झूठे हो और तुम हमारी आपस में ही मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डाले और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो और ये सुनते ही वो व्हाइट बेयर ब्लैक हो जाता है यानी वो इस गेम को भी विन कर लेते हैं लेकिन शुन को इस बात का अफसोस होता है कि दो मासूम लोग इस गेम में मारे गए हैं और उसे अपने फ्रेंड को खो देने का बहुत दुख था वो पांचों सर्वाइवर्स अपने आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं वहाँ पर उनके पास डॉल आती है वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती है की वेल्डन की तुम इस स्टेज तक आई वो बताती है की इस गेम में कोई भी नहीं आएगा बल्कि ये उनकी आपस की ही गेम है और वो उन्हें गेम के रूल्स बताती है हम पांचों में से एक डीमन बनेगा और बाकी चारों कहीं पर जाकर छुप जाएंगे और अगर डीमन चारों को ढूंढ लेगा और उस टीम को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा और सिर्फ वो बच जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे और अगर कोई ऐसा पर्सन इसे डीमन ने नहीं पकड़ा वो आकर इस टीम को डीमन से पहले किक कर देता है तो बाकी सारे लोग तो बच जाएंगे लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस टीम को किक किया है यानी यहाँ पर उसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा तब स्टिक्स की हेल्प से डीमन चूज किया जाता है और डीमन बनता है अमाया और वो डॉल उस गेम को स्टार्ट कर देती है और अमाया उस टीन को अपनी पोजिशन पर कर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो चारों लोग छुप जाते हैं उनमें से अमाया दो लोगों को इजीली पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है और इचिका और शुन भी एक जगह पर छुप जाते हैं लेकिन अमाया वहाँ पर भी आ जाता है तब इचिका शुन को सेव करने के लिए खुद उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है तब अमाया शुन को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तीन लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा कि तुम बाहर ना आओ बल्कि छुपे ही रहो लेकिन काफी कंफ्यूज था और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि या तो वो उस टिन को किक करके खुद को किस कर दे और बाकी सबकी जान बच जाए या वो खुद को सेव करके बाकियों को मरने दे तब इचिका उसे कहती है कि शुन मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है की तुम प्लीज बाहर मत आना लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी बात माने बगैर एक हैवी आर्मर पहन कर बाहर आ जाता है तब अमाया उसे कहता है की क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो मैंने सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेने दे की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे और अमाया करता भी ऐसा ही है वो आसानी से शुन का हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है तब शुन उसे बताता है की आर्मर में आने का मकसद उसे अमाया को हराने का नहीं है बल्कि उसे रोकने का है और वो उस आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है अब क्यूँकी शुन का चेन अमाया से बंधा हुआ था इसलिए वो भी घसीटता हुआ जाता है लेकिन शुन बड़ी समझदारी करते हुए आर्मर से बाहर आ जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है अमाया जो कि चेन से बंधा हुआ था लेकिन अमाया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और भागता है और दूसरी तरफ सुन भी भागता है ताकि वो उस टिन किक कर सके लेकिन दोनों में से पहले उस को किक करने में कामयाब हो जाता है और वो गेम को विन कर लेता है लेकिन इस बात से वो सब काफी अपसेट थे क्योंकि अब शून ने मरना था लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता और सुन की जान बच जाती तब वो डॉल जाकर बताती है की टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी वो सिर्फ उस इंसान को जज करना चाह रही थी जिसका दिल सच्चा हो जिस दूसरों के बारे में सोचे सेल्फिश ना हो और वो सब ही इस गेम के विनर्स है तभी देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही होती है और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं वो उन्हें कहती हैं कि जीतने की खुशी में वो सेलिब्रेशन के बाद अपनी लाइफ में जाकर एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सिर्फ एक गेम थी सब लोग विनर्स होकर काफी खुश थे तभी वो आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं की उन आइसक्रीम स्टिक्स पर लिखा होता है की कौन जीता है और कौन हारा है और तब उन्हें पता चलता है की शुन और अमाया ही है जिन्होंने इस गेम को विन किया है सफ तो और डॉल्स उनको बताती है की इस गेम को सिर्फ उन्होंने ही सर्वाइव करना था जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो जो की सुन और अमाया के पास ही थी और वो बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें इचिका भी होती है और वो आखिरी गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लक जिन्हें सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया है इस पर अमाया तो काफी खुश होता है लेकिन शून नहीं होता फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें हीरो कह रहे थे क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वो दोनों ही विनर्स थे सुन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इन सब से खुश नहीं होता और वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि गॉड ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया उसके फ्रेंड्स छीन लिए उसके स्कूल के बच्चे मर गए वो डॉल्स उसे कहती है नहीं सुन इस स्टेटमेंट में तुम गलत हो गॉड होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है और वो ये होता है की वही होमलेस पर्सन जिसने खराब रेडियो को ठीक किया था असल में ये सारा किया धरा उसी का था सारी गेम उसी ने ही कंडक्ट की और सुन काफी गुस्से में उसको देखता रहता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है